सो प्रेम जी फिर से एक बार आपका बहुत बहुत वेलकम बैक टू आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज़ जैसे अभी क्रेज दिखाई दे रहा है अजीत थला सर की मूवी यस सर एंड इवन थलापति सर की भी मूवी आई है यस सर आपने दोनों मूवीज देखी है तो फायदे यस सर आज दो सुधो महारथी दो महाराजों का टक्कर हुआ है दो बाहुबलियों का टक्कर हुआ है सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और कहा ना कहा मिस्टर अजीत सर मैं उनको बचपन से देख के आ रहा हूँ आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम और ये लुक में मैंने उनको तमिल में जो देखा है उनका लुक इज लाइक अ हॉलीवुड और सर की स्मार्टनेस सर का स्माइल ओ व्हाट यार सर के कॉस्ट्यूम्स सर तो ऐसे लग रहे कि जेम्स बॉन्ड लग रहे जेम्स बॉन्ड 007 हैंडसम नहीं जेम्स बॉन्ड बोला जाता है अगर हॉलीवुड को टक्कर दिया है अजीत सर ने थला अजीवती ने सर ने क्या काम किया है उनके हाथ में गन ऐसे लग रहा है कि वो गन उनके लिए ही बना है और क्या काम किया सर ने बड़ा एक्साइटेड एक बैंकर रॉबरी के ऊपर मूवी है मूवी इज सो एक्साइटेड बहुत मजा आया मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसका अच्छा लगा मूवी की सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगी सर का कॉस्ट्यूम अच्छा लगा और ओवरऑल मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी पसंद आई सेकेंड हाफ भी अच्छा था क्लाइमैक्स वॉज एक्सीलेंट सुपर और मुझे लग रहा है 2023 का साउथ लोग ने तैयारी शुरू कर दिया है सो बॉलीवुड वालों जरा संभल के रहो फिर से आ रहे हैं बाहुबली और RRR और KGF सब वापस आ रहे हैं सो बिग हाथी लोग आ रहे हैं तो बॉलीवुड वाले चूहे हाथी बन जाओ नहीं तो लगता है 2023 जैसे दो पिक्चर लगी है मुझे लग रहा है आगे भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है साउथ से क्या बात है जिस तरीके से कंटेंट की बात करते हैं तो इस मूवी का कंटेंट काफी जबरदस्त अच्छी खासी है तो उसके बारे में कुछ बताएं अरे सर बहुत बहुत ग्रिपिंग है बहुत मज़ा आ गया अजीत सर को तो मैं देखते ही रह गया एक नए लुक में उनकी लास्ट मूवी वलमाई आई थी वलमाई में वो एकदम अलग लग रहे हैं इसमें एकदम डिफरेंट लग रहे हैं मतलब उनकी हर एक पिक्चर से वो अलग ही दिखते हो अपने फेस पे बहुत अच्छा मेकअप करते हैं बहुत अच्छा मतलब कि पूरी पिक्चर देखते रह गया मैं नेल बाइट्स हो गए मेरे को तो यस सर देखे जा रहा है अभी आपने वलीमय का नाम लिया तो गए साल में वलीमय गंगूबाई के साथ क्लैश की थी यस सर और इस वक्त तो थलापति विजय सर के साथ उनकी फिल्म क्लैश हो रही और मैं हाँ और वंस ओवर मैं कहना चाहूँगा कि एवरी साउथ इंडियन को हैप्पी पोंगल और पोंगल के दिन आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिला है अजीत सर से और विजय थलापति से सो या पोंगल विल बी हैप्पी एंड सक्सेस तो ये पिक्चर पोंगल के लिए परफेक्ट बनी है मज़ा आ गया जैसे हमारी दिवाली आती है वैसे इनका पोंगल आता है और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होने वाली है क्या बात है यस सर जिस तरीके से फैंस क्रेज में हमने थोड़ी देर पहले देखा तो कितना जबरदस्त तरीके से अरे सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तमिलनाडु के अंदर तो नहीं आ गया हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं इडली डोसा खा रहा हूँ और तमिलनाडु के अंदर आ गया हूँ तो मुझे तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये मुंबई है चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं सेलिब्रेशन हो रहा है सर के ऊपर मिल्क डाला जा रहा है इट्स अ सेलिब्रेशन सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू वंस अगेन तमिल ऑडियंस हैप्पी पोंगल और सबको महासंक्रांति की शुभकामनाएं और सबको हैप्पी पोंगल मैं अजीत सर को 5 out of 5 दूंगा उनके मेकअप के लिए उनके स्टाइल के लिए उनकी पर्सनालिटी के लिए उनकी ऑरा के लिए और मूवी को 5 out of 4 दूंगा और म्यूजिक को 5 out of 3 सो आई एम सो हैप्पी मेरा पोंगल भी अच्छा जाएगा मेरी भी संक्रांति अच्छी जाएगी क्या बात है यस सर शुक्रिया सर